जिसे आप बहुत ही इफेक्टिवली स्टडी कर सकते हैं और मैक्सिमम आउटपुट विद मिनिमम इनपुट ले सकते हैं। पर इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, मैं आपको अपना थोड़ा बैकग्राउंड बताना चाहता हूं कि मैं आपको ये टिप्स क्यों दे सकता हूं। मैंने बीटेक करी है ऑलमोस्ट 80% के आसपास, एमटेक करी है ऑनर्स के साथ, और गेट में ऑलमोस्ट दो बार मेरे 99.45% के आसपास रहे हैं। आप में से जो लोग नहीं जानते, गेट एक टेस्ट है, ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग, जो कि आईआईटी वाले कंडक्ट करवाते हैं आफ्टर बीटेक। यूजिंग गेट स्कोर या तो आप एडमिशन ले सकते हैं एमटेक में, या फिर एक अच्छे से पीएसयू में जॉब ले सकते हैं। अब आप में से शायद कई लोग ये सोच रहे होंगे, अरे वाह यार, ये तो बहुत इंटेलिजेंट है। अब सबसे ज़्यादा खतरनाक बात यह है कि मेरे प्लस टू में 50% थे, और सब ने कहा था कि इसको आर्ट्स दिलवाओ, बीए करवाओ, इससे इंजीनियरिंग नहीं होगी। तो ये जो ट्रांजिशन आया फ्रॉम 50% टू 99.45% इन गेट, ये मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ कि मेरे में एकदम ये ट्रांजिशन कैसे आ गया। या तो मैं बहुत ही ज़्यादा हार्डवर्किंग हो गया था, या मैंने थोड़ी स्मार्ट स्टडी भी की है। तो जो सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि कोई भी इंटेलिजेंट नहीं है। हमारी जो डेफिनेशन है इंटेलिजेंट की, वो ही गलत है। आप दुनिया की किसी भी चीज़ को अगर एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम दोगे, तो दुनिया आपको इंटेलिजेंट कहने लगेगी। जबकि अगर आप इंटेलिजेंट हो तो सिर्फ उस फील्ड में हो जिसमें आपने वो टाइम दिया है। एक डॉक्टर इंटेलिजेंट है अपनी फील्ड में, और एक इंजीनियर इंटेलिजेंट है सिर्फ अपनी फील्ड में। अगर आप किसी डॉक्टर को इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के बीच में ले आओगे, तो वो वहां का सबसे डफर आदमी होगा, और अगर आप एक इंजीनियर को डॉक्टर्स के बीच में बिठा दोगे, तो वो वहां का सबसे नालायक आदमी होगा। अब इसका ये मतलब है कि आप कभी भी ओवरऑल इंटेलिजेंट नहीं हो सकते। अगर हम इसी चीज को पॉजिटिव में लें, इसका मतलब ये भी है कि आप किसी भी नई फील्ड में काम करके उस चीज के एक्सपर्ट बन सकते हो। इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है स्टीव जॉब्स। जब उन्हें पैनक्रियाटिक कैंसर हुआ था, तो वो अपने इंटरव्यूज में बोलते थे कि मुझे ये भी नहीं पता था कि पैनक्रियाज होते क्या हैं। अब मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये सब हमारी पहली स्टडी टिप से कनेक्टेड है। अगर आप किसी भी स्टूडेंट से पूछो कि सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट स्टूडेंट कौन है, तो हम में से मैक्सिमम लोग यही बोलेंगे, जिसको सब कुछ आता है वही तो इंटेलिजेंट है। लेकिन हमारी सोसाइटी की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, जिस स्टूडेंट के सबसे ज्यादा मार्क्स आते हैं वही सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट है। अब आप में से मैक्सिमम लोग ये सोच रहे होंगे कि ये तो एक ही बात हुई, जिसको सब कुछ आता होगा उसी के तो सबसे ज्यादा मार्क्स आएंगे। तो ये भी बिल्कुल गलत है। तो सबसे ज्यादा मार्क्स उस स्टूडेंट के आएंगे जिसको क्वेश्चन पेपर में मैक्सिमम क्वेश्चंस के आंसर्स आते हैं। इन शॉर्ट, आपको सबसे पहले लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चंस खत्म करने हैं। अब आप में से कई लोग ये सोच रहे होंगे, ये क्या बात हुई, ये तो हमें पहले से पता था, या फिर यार ये तो लूजर्स की टेक्निक है, जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा होता वही तो सबसे पहले ये पढ़ते हैं। लेकिन चाहे आप आईएएस ऑफिसर्स का इंटरव्यू देखो, चाहे किसी आईआईटी के टॉपर का इंटरव्यू, उन्होंने ये स्टेटमेंट हमेशा लिखी होती है कि फर्स्ट सॉल्व लास्ट 10 ईयर्स पेपर। अब चाहे आप इसको फोकस का नाम दो या फिर 80-20 प्रिंसिपल, क्योंकि कुछ पोर्शन सिलेबस का बाकी पोर्शन के कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और उसी की वेटेज सबसे ज़्यादा आती है। अब हम ये नहीं बोल रहे कि आप खाली सैंपल पेपर उठाओ और उसको रटने लग जाओ। हमारा कहने का ये मतलब है कि आप सैंपल पेपर्स में से सबसे पहले एक चैप्टर के क्वेश्चन उठाओ, उस क्वेश्चन से रिलेटेड जितना कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना है सिर्फ वो ही कॉन्सेप्ट पढ़ो। अगर वो इंग्लिश का पेपर है तो सिर्फ उतनी स्टोरी, नेक्स्ट क्वेश्चन उसी चैप्टर का और फिर उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट, बस फिर नेक्स्ट क्वेश्चन फिर उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट। और जब आपका एक चैप्टर से सारे रिलेटेड क्वेश्चंस खत्म हो जाएंगे, तब आपका मैक्सिमम पोर्शन उस चैप्टर का खत्म हो जाएगा, खास करके वो इंपॉर्टेंट पार्ट जो हर बार आपसे पूछा जाता है और जो आपको मैक्सिमम मार्क्स भी दिलवाएगा। इस टिप का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसने आपकी स्टडी को ऑर्गेनाइज करवा दिया है। अब आप अपने सिलेबस का मैक्सिमम वेटेज वाला पोर्शन सबसे पहले खत्म कर रहे हो, क्योंकि यही तो क्वेश्चन आपको 10 साल से पूछे गए हैं, और मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी यही है कि अब भी इनमें से काफी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इस कॉन्सेप्ट को आप समझ सकते हो डिश मेकिंग से। मान लीजिए आपको एक केक बनाना है, तो सबसे पहले आपको उसके मेन इंग्रेडिएंट्स तैयार करने पड़ेंगे, जैसे कि उसका बेस और फिर उसके ऊपर क्रीम की लेयर। अगर आप उसकी टॉपिंग्स पे कॉन्सेंट्रेट करोगे, यार चेरी लेके आनी है या ड्राई फ्रूट्स लेके आने हैं, और बेस पे कॉन्सेंट्रेट बिल्कुल नहीं करोगे, तो आपका केक कभी भी तैयार नहीं होगा। तो जो आपके लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चंस हैं, वो उस केक का बेस हैं,
और बाकी सारा सिलेबस उसकी टॉपिंग्स। तो पहले आपको कोशिश करनी है कि उसका बेस को अचीव करें और टॉपिंग्स उसके बाद। और अगर आपके लास्ट 10 ईयर क्वेश्चंस खत्म हो गए हैं और आप मेहनत करना चाहते हैं, उसके बाद आप बाकी सिलेबस कवर कर सकते हैं। इससे आपके ज़्यादा मार्क्स भी आएंगे और एटलीस्ट अगर बीच में आपके पास टाइम कम भी रह गया तो उसका आपने मेन पोर्शन तो वैसे भी ख़त्म कर ही दिया है। जो नेक्स्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टिप है वो है कैटेगराइज कैटेगराइज कैटेगराइज, यानी आपको सेम टाइप के क्वेश्चंस एक तरफ रखने हैं। इसके लिए हम एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके पास सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, अगर आप ध्यान से एक चैप्टर को देखें तो मैक्सिमम से मैक्सिमम से मैक्सिमम आपके एक चैप्टर में 20 कॉन्सेप्ट से ज़्यादा नहीं होंगे, तो आपको वो 20 कॉन्सेप्ट्स हर चैप्टर के स्टार्टिंग में लिख लेने हैं एज अ नोट, और उन सेम 20 कॉन्सेप्ट्स के ऊपर 20 से 25 क्वेश्चंस ही सॉल्व करने हैं, ना कि 100 या 1000 क्वेश्चंस। और अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो भी उन्हीं 20 क्वेश्चंस को बार बार सॉल्व करना है। इस स्टडी टिप में जो हम मेन चीज़ आपको बताना चाहते हैं वो है कंडेंस करना अपने सिलेबस को, जितना छोटा आप कर सकें उतना फ़ायदा रहेगा। यानी जब आपका पूरा सिलेबस ख़त्म हो तो ऐसा ना हो कि आप देख रहे हो यार ये 500 पेजेस की बुक थी, पता नहीं कितना याद है कितना क्या है। रादर आपको ये होना चाहिए यार कुछ नहीं, इसमें 12 चैप्टर्स हैं, पहले में ये 4 चीज़ें ही हैं, दूसरे में ये 5, तीसरे में ये 6, और इस तरीके से आपका पूरा सिलेबस कंडेंस होके आपके ब्रेन में होना चाहिए। और इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हम आपको बताना चाहते हैं कि अपनी बुक में ही नोट्स बनाना प्रेफर करें। इनमें से मैक्सिमम लोग ये सोचते हैं यार ये बुक गंदी हो जाएगी या इसको तो हम दोबारा बेच भी सकते हैं, खास करके गर्ल्स। लेकिन हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि मैक्सिमम टाइम्स आप नोट्स उसी में बनाएं। इससे दो फायदे होंगे। पहला, जब आप काफ़ी दिनों के बाद उन बुक्स को खोलोगे तो आप थोड़े मोटिवेटेड फील करोगे, चलो यार कुछ तो पढ़ा है, बेशक आपको उनमें से मैक्सिमम पोर्शन याद भी ना आ रहा हो। दूसरा, आपके नोट्स गुम होने का डर भी कम रहता है और साथ ही साथ आपका पूरा सिलेबस एक तरह से कंडेंस रहता है। मान लीजिए आपने पहले क्वेश्चन में लिखा है कि ये ऑलमोस्ट सिमिलर है 8th क्वेश्चन के साथ और वैसे ही 9th क्वेश्चन सिमिलर है 15th के साथ, तो आप अपने सिलेबस को कंडेंस कर रहे हो और वो सारा का सारा अवेलेबल उसी बुक में है। इसी तरह से मैथ्स के अलावा कोई भी सब्जेक्ट हो उसे कंडेंस किया जा सकता है। बेशक अभी आपको लग रहा हो कि नहीं यार ये वाला सब्जेक्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन अभी तक आपको वो तरीका नहीं आया है शायद, लेकिन हर सब्जेक्ट को बहुत ज़्यादा कंडेंस किया जा सकता है। और फाइनली दोस्तों आता है टेंशन, इसे कैसे रिलीज़ किया जाए, क्योंकि फाइनली कोई भी चीज़ दुनिया में माइंड गेम है, तो आप अपने माइंड को कैसे कंट्रोल में रख सकते हैं। तो पूरी प्रेपरेशन के दौरान दो टाइम आपके साथ ज़रूर आएंगे। पहला, जब आपको बहुत टेंशन हो रही होगी खास करके एग्ज़ाम्स के दौरान या एग्ज़ाम से जस्ट पहले, और दूसरा जब आपको बिल्कुल टेंशन नहीं हो रही होगी, यानी कि जब आपके एग्ज़ाम्स के लिए अभी 6 या 7 महीने हैं। तो दोस्तों कॉम्पिटिशन तो हमारा सिर्फ हमारे साथ ही होता है, हमें खुद से कैसे काम करवाना है ये एक स्ट्रैटेजी की तरह ही है। तो इसके लिए जो स्ट्रैटेजी मैं यूज़ करता था वो ये था कि जब मैं बहुत ज़्यादा रिलैक्स होता था, यानी मेरे एग्ज़ाम के लिए अभी काफ़ी सारे दिन बचे हैं, तो मैं अपने को ज़बरदस्ती टेंशन दिलवाता था बार बार ये थॉट्स लाके, यार इस तरीके से तो मैं अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाऊँगा, वो प्लस टू वाली चीज़ दोबारा से रिपीट हो जाएगी, मैं अपना कोई भी ड्रीम अचीव नहीं कर पाऊँगा और ऐसे ही एक यूज़लेस आदमी की तरह मर जाऊँगा। और इसी तरीके से जब एग्ज़ाम्स का टाइम आता था और मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन होने लगती थी, तो अब मुझे पता था कि मुझे अपनी टेंशन रिलीज़ करनी है, तो मैं अपने दिमाग में दूसरे तरीके के थॉट्स लाने की कोशिश करता था, यार ऐसी की तैसी देखा जाएगा जो होगा, इस कुलदीप ने भी कौन सा बड़ा तीर मार दिया इतनी सारी परसेंटेज ला के, और कोई बहुत अच्छा सा सॉन्ग सुनने लग जाता जिससे मेरा दिमाग रिलैक्स हो जाए। और जब मुझे लगता कि मैं कुछ ज़्यादा ही रिलैक्स हो रहा हूँ, फिर से मैं दूसरे थॉट्स लाने लग जाता और फिर काम करने लग जाता। फाइनली इसका ये मतलब है कि हमें खुद से काम करवाना है, कभी टेंशन लाके कभी टेंशन रिलीज करके, और हम कभी एक स्टेट में नहीं रह सकते, हमें ये बैलेंसिंग गेम खेलते रहनी पड़ेगी ताकि हम खुद से काम करवा पाएँ और मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर ला पाएँ। और एक बार एग्ज़ाम हो गया तो हम कुछ नहीं कर सकते, फिर दोबारा से हमें अपनी टेंशन रिलीज़ कर देनी है।